हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा एयर इंडिया में आई हुई वैकेंसी के बारे में, जहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप बेरोज़गार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड आए हुए सारे वैकेंसीज़ आपको यहीं पर मिल जाए। पे देख सकते हैं आप, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की गई है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 अप्रैल 2019 तक आपके पास जो भी मैं बताऊंगा वो सारे चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, दो तरीके की पोस्ट हैं, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, अकाउंट क्लर्क। जहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लिए 25, अकाउंट क्लर्क के लिए 36, और यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको बताई गई है और वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया गया है। तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, सेम आपका अकाउंट क्लर्क के लिए भी वैकेंसीज आई हुई हैं। और एज की बात करें तो 30 ईयर्स आपका जनरल के लिए है, 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। CST एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो CA, ICWA जिसे आप CMA कहा जाता है, MBA फाइनेंस फुल टाइम, और आपके पास 2 साल एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अकाउंट एग्जीक्यूटिव का। और अकाउंट क्लर्क के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो CA इंटर एंड ICWA इंटर है, और अगर आपने BCom विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आप SAP आपने किया हुआ है, और IT सिस्टम में अगर आपने फाइनेंस अकाउंट डिवीजन में काम किया है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स की बात करें तो 5 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो कि आपके परफॉर्मेंस के बेस पे बढ़ाया भी जा सकता है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका डायरेक्ट इंटरव्यू है, और सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको सेम डेट पे जो भी डेट यहाँ बताई गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लिए 3 मई 2019 है। वेन्यू जो दिल्ली का बताया गया, IGI एयरपोर्ट टर्मिनल IB, यानी 1B भी बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन आपका होगा 10 से लेकर 12:30 बजे तक, तो आप पहले पहुँच जाएँ और 10 मई 2019 को मुंबई में दिए हुए इस एड्रेस पे पहुँच जाइएगा। फिर अकाउंट्स क्लर्क की बात करें तो यहाँ पे 4 मई सैटरडे को होगा न्यू दिल्ली में, और 11 मई 2019 को आपका मुंबई में होगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है डायरेक्ट वॉक इन है। आपका रजिस्ट्रेशन जो आप करेंगे केवल एक स्टेशन एक रीज़न के लिए करेंगे, अगर आप एक से ज़्यादा पे अप्लाई करते हैं या अपियर होते हैं इंटरव्यू के लिए तो आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। यहाँ पे फिर एक बात की गई है, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लाने हैं, तो आपको एक फ़ोटोग्राफ ले जाने हैं, 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, अप्लीकेशन फिल आपको करना है जो भी दिया हुआ है, और 1 सेट डॉक्यूमेंट ले जाना है आपको, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस में आपका अपॉइंटमेंट लेटर, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, सैलरी स्लिप एक्सेट्रा जो भी आप ले जाइएगा, अलॉन्ग विथ ओरिजिनल। तो ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन, CA CW में जो भी है आप सारे ही लेके जाइएगा। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 4th पॉइंट, आपको डिमांड ड्राफ्ट 1000 का पेबल है दिल्ली और मुंबई, आप दोनों में से जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपके पास इसका DD होना चाहिए, जो कि एयर इंडिया लिमिटेड के नाम से बनेगा। SC ST कैंडिडेट एग्जम्प्टेड हैं अप्लीकेशन फीस से। फिर यहाँ पे बात करते हैं सैलरी और अदर बेनिफिट्स की, तो अकाउंट एग्जीक्यूटिव की सैलरी जो है 45,000 है, जिसमें PF एंड ऑल दिस मिला के आपका CTC 40,000 पर मंथ है। अकाउंट क्लर्क की बात करें तो 25,200 है, एंड अदर बेनिफिट यहाँ पे बताया गया है कि आपको CL मिलेंगे, सीक लीव, कैजुअल लीव, एलिजिबिलिटी फॉर मेडिकल के लिए भी आप होंगे फैसिलिटी, जो भी ये प्रोवाइड करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेजुटी एक्ट के हिसाब से आपको ग्रेजुटी के लिए एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे दी गई है। जनरल में बात करें तो आपको अगर गवर्नमेंट कंपनी या PSU में कर रहे हैं आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, और आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है यहाँ बताया गया है कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, तो आप उसको ज़रूर देख लें, आपका 6 महीने 1 साल से पुराना तो नहीं है, अगर है तो उसको रिन्यू कराएं और उसको लेके जाएं। आइए और अब बात करते हैं हम कि अप्लीकेशन फॉर्म कौन सी भरनी है, जो कि आपको फिल करना है और साथ में लेके जाना है। तो फ्रेंड्स, ये वो अप्लीकेशन फॉर्मेट है जिसे भर के आपको लेके जाना है, नेम, फादर नेम, एड्रेस, पिन कोड, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, एज, नेशनैलिटी, रीजनल, फिर आपकी कैटेगरी कौन सी है उसकी पूरी डिटेल, फिर आपने जो भी ड्राफ्ट बनाया है उसकी पूरी डिटेल आपको फिल करनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+12 ऑनवर्ड्स यहाँ पे भरना है, 10th 12th ग्रेजुएशन, फिर यहाँ पे डिटेल ऑफ प्रीवियस एंड प्रेजेंट एम्प्लॉई जो भी हैं उसके बारे में यहाँ पे भरना है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट में आपको 10+2 एंड ऑनवर्ड्स, मतलब आपको 12th ग्रेजुएशन, CA या फिर CMA इंटर
या फिर बीकॉम, ये तीन ही आएंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ट्वेल्थ ग्रेजुएशन एमबीए या फिर आईसीडब्ल्यूए, सीए इंटर, सीएमए इंटर या फिर बीकॉम, फिर यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस सारी विजिट करनी है, फिर यहाँ पे साइन करना है और डेट लिखना। तो ये सारी डिटेल जानकारी थी एयर इंडिया में आई हुई वैकेंसी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, और जितने भी फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड सीए सीएमए बीकॉम कॉमर्स ग्रेजुएट हैं एमबीए फाइनेंस है, सभी लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सकें।